इंसानी तुम मेरे साथ हो और जो अब मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वो रियासत बने जो उसको बनना चाहिए। The people of Pakistan have already made up their minds. They want a change. Janab Imran Ahmed Niazi Sahab ne 176 vote hasil kiye. Hello guys, it's Vanshika Nanda. Hello everyone, my name is Gul and welcome back to our YouTube channel. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली इमरान खान की स्ट्रगल वीडियो होने वाली है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। एज हम सभी जानते हैं कि जो इमरान खान है ठीक है वो काफ़ी अच्छे प्लेयर बन चुके थे ठीक है, उनको दौलत थी उनके पास, शौर्य थी उनके पास, फेम था उनके पास, सब कुछ था। स्टिल उनको एक स्ट्रगल था, उन्होंने जो किया है 25 साल तो मुझे भी पता है कि जो उनका पॉलिटिकली स्ट्रगल रहा ही है ठीक है, जो उन्होंने पॉलिटिकल बेसिस पे स्ट्रगल किया। लेकिन इस वीडियो में हम उनका देखने वाले पूरी लाइफ का स्ट्रगल, उन्होंने ज़िंदगी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग, क्योंकि यार मेरे को जहाँ तक इमरान खान का बारे में थोड़ा बहुत पता है तो मेरे को इतना उनकी जितना पता है उनकी बायोग्राफी के बारे में तो मेरे को इतना पता है कि लाइक वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग आदमी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। तो ये वीडियो को ना देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं, तो मैं सीरियसली वीडियो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल यार, और मैं ख़ुद ये वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो है 1952 से 2022 तक और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम लोग उनके स्ट्रगल देखेंगे, उनका लाइफ की अचीवमेंट्स भी हमें दिखाई देंगी। और इसके ऊपर इमरान खान हैप्पी बर्थडे इमरान खान भी लिखा हुआ है, तो उनकी हैप्पी बर्थडे जो थी वो भी कुछ दिनों पहले ही हुई है। आपके जब मोदी जी की बर्थडे थी उससे आई थिंक 2 दिन के बाद उनकी बर्थडे थी, तो वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको सेलिब्रेट किया है। और देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। पाकिस्तान कैसे बनेगा? मेरे भाइयों, मेरी फैमिली, एक दिन पाकिस्तान भी वो मुल्क बने जिधर इंसानियत हो, इंसानों की कदर हो। थोड़ी देर तक हमारा मजाक तोड़ा लेकिन हमने अपनी ख्वाब नहीं तोड़ी। अल्लाह ने सारी मेरी ख्वाबें आज तक पूरी की और इंशाल्लाह ये भी करेगा, लेकिन ये ख्वाब तब पूरी होगी जब आप पाकिस्तानी को मेरे साथ होगी और जो आप मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वो रियासत बने जो उसको बनना चाहिए। The people of Pakistan have already made up their minds. They want a change. Janab Imran Ahmed Niazi Sahab ne 176 vote hasil kiye. Imran Khan Wazir-e-Azam Pakistan muntakhib ho gaye hain. Imran Khan ko 176 vote. Kya baat hai yaar. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will you do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. No. Absolutely not. मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ, मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। जब से गया ना हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। इसके लड़के सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, पेट्रोल ही नहीं पूरा। अभी तो हमारा राजा था, करते ये लोग क्या जुल्म ना करो। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में नढ़ाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं सकते की हालत में है।
इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर ड्रोन हमले। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना, आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। ओ अमरीकनों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम हो कौन, हमें माफ करो। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमरीका को भेज देंगे, क्या कहा मैंने? एब्सोल्युटली नॉट। आप मेरे से कोई और उम्मीद रखे थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। अल्लाह, मेरे सवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। ये क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? ये क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के छीन के रहेंगे। आजादी है हक हमारा। आजादी तेरा बाप भी देगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग वीडियो होने वाली है, और लिटरली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग वीडियो भी थी। कहते हैं ना, मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी मैं ये वीडियोस देखती हूँ ना इमरान खान की, लिटरली मेरे पूरे बॉडी में ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये तो फिर भी उनका रिवाइंड था, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है, वो सब कुछ रिवाइंड था यार। तो लाइक लिटरली मेरे को ना इतना ज़्यादा मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार आज का टाइम ऐसा है कि ना हम लोग एक इंसान को उल्लू नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतने सारे लोगों को तो उल्लू नहीं बना सकता है कोई। ठीक है, अगर इतने सारे लोग उनके फ़ैन फॉलोइंग है तो वो उनके बेसिकली कहते हैं ना, सिर्फ उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से ही है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैंने आज तक, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में अगर बात करें तो ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए भी इतनी फैन फॉलोइंग है, पर मुझे मैंने कभी भी ऐसा इंडियन बेसिकली लीडर नहीं देखा जिसके सिर्फ एक इशारे पे 8 घंटे में 4,000 करोड़ इकट्ठे हो, सॉरी 1400 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं, या किसी के 1400 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर बेसिकली जो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे सेरेमनी रखूँगा, मैं यहाँ पे इवेंट रख रहा हूँ, और वहाँ पे इतने सारे लोग आ जाते हैं। चाहे लाहौर की बात करें, चाहे हम पेशावर की बात करें, मैंने उनके इतने सारे स्पीच देख लिए, वहाँ पर लोग ना भरमार आता है सिर्फ इनसे बात करने के लिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इनसे मिलने के लिए रोते हैं कि यार हमें मिला लो। तो यार इनकी, मैं ये सोच रही कि यार ये सीरियसली बहुत अच्छे इंसान है, तभी इनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इवन बच्चे तक इनके मतलब अपना कहते हैं ना आइडल मानते हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। तुम्हारी बातें सुन के ना मैं इमोशनल हो रही हूँ। तुम्हारी बात, वीडियो से ज़्यादा तुम्हारी बातें मुझे इमोशनल कर रही हैं सच में। कि देखो, तुम भी इनके बारे में ऐसा सोचती हो, और वाकई ये इंसान डिज़र्व करता है इमोशन, सब लव, रिस्पेक्ट, सब चीज़ ये डिज़र्व करता है इंसान। जैसे तुमने बताया कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी ख्वाहिश है कि हम एक बार ज़िंदगी में इमरान खान से मिलने। यार तो यार ऐसा पहले मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि नवाज शरीफ को मिलने के लिए कोई ऐसा तरस है, या कोई जरदारी को मिलने के लिए ऐसे तरस है। भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, हालांकि बहुत बड़ी हमारी लीडर थी, जो हमजा, सॉरी क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो की मम्मी जो हैं,
वो बहुत बड़ी जो थी हमारी लीडर थी, लेकिन उनके लिए भी ऐसी क्रेजीनेस मैंने लोगों की नहीं देखी थी। तो यार ये बंदा वाकई अल्लाह ताला ने भेजा है हमारे लिए, शायद हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हमारा सरमाया है, जिसको हम लोग चाहे तो हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ब्राइट जो है साबित होगा। तो बाकी जो इस वीडियो में हमने देखा है वो उनकी स्ट्रगल जो उन्होंने स्टार्ट किया वो है अपने क्रिकेट से, उन्होंने स्टार्ट लिया था क्रिकेट में जाके उन्होंने जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जो है वो विन करवाया, वहाँ से फिर उन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा है वहाँ से बुलंद किया, और फिर आगे 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 आते आते क्या उनका ड्रीम है कि अब पाकिस्तान जो है किसी की गुलामी नहीं करेगा, पाकिस्तान एक आज़ाद कौम बनेगा, पाकिस्तान में एक शऊर आना चाहिए जो कि आजकल वाकई आया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे लिए लीडर कौन सा अच्छा है, हमारी कौम को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों को पता है यार। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी, और मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सीरियस में बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। तो गाइज़ आप इस बारे में क्या सोच रहे हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ यही था हमारा रिएक्शन, और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दें इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, बाय।